हर रोज मेरा इतना दिल दुखता है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। पिछली बार मैंने जब वो एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत ज्यादा बुरा लग के हैवी हार्टेडली मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, बट आज भी मुझे इतना बुरा लगता है उस चीज के लिए, और प्लस उसके बाद इतने सारे जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस पे मुझे बहुत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। आई होप यू फाइंडिंग दिस वीडियो एट द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो मैंने एक साल पहले इंस्टाग्राम फ्रॉड स्कैम की बात की थी आप सबके साथ, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और काफी लोग थैंकफुल थे क्योंकि वो लोग खरीदने वाले थे बट उनके पैसे बच गए बिकॉज ऑफ माय वीडियो। बट उसके बाद से एक साल हो गया उस वीडियो को, आज तक मुझे कमेंट्स आता रहता है कि आज मेरा 800 रुपए चला गया, आज मेरा 1000 रुपए चला गया, आज मेरा 1500 चला गया, आज मेरा 15000 चला गया। लाइक इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इंस्टाग्राम पर, और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ऐसे काफी सारे वेबसाइट्स हैं जो कि वहां पर भी फ्रॉड चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक समरी दे दूंगी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं लास्ट टू लास्ट ईयर अपने बर्थडे के वक्त शॉपिंग कर रही थी, सो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं इंस्टाग्राम स्टोर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। तो उस वक्त कोरियन चाइनीज ड्रेसेस के बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, बहुत ज्यादा हाइप में भी था, तो इंस्टाग्राम एड्स आते हैं ना, वैसे मुझे एक एड में एक पेज रिकमेंड हुआ, तो मुझे काफी अच्छा लगा और उनका काफी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे थे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। लाइक 900 में वो 3 ड्रेसेस दे रहे थे, 1800 में 5 ड्रेसेस दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स थे, और कम पैसे में अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाए तो किसको नहीं पसंद होता, और जैसे मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही उस पेज पर था। फिर उसके बाद उस पेज से मैंने इंस्टाग्राम पर चैट भी किया, फिर मैंने उनके व्हाट्सएप पर भी चैट किया और ढेर सारे क्लोथिंग आइटम चूज करके उनको पेमेंट कर दिया। तो नियरली मैंने 2700-3000 रुपीज पे किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन में मेरे ऑर्डर्स आ जाएंगे, उन्होंने बोला 4-5 दिन लग जाएंगे। तो मैंने 3-4 दिन वेट किया, उसके बाद जब मैं उनको मैसेज करने लगी, उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था मुझे, सिर्फ वो लोग लिख रहे थे कि आपको आ जाएगा आ जाएगा। एंड मेरा बर्थडे चला गया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, और उसके बाद उनका कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। मुझे इतना बुरा लगा था बिकॉज वो मेरे खुद के पैसे थे, मेरे हार्ड अर्न मनी थे। जब हम खुद पैसा कमाते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना, और कुछ लोग एकदम ऐसे ही हमारे पैसे लेके चले जाते हैं। उसके बाद ही मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाया था Instagram फ्रॉड स्कैम को लेकर, और उसमें मैंने आपको ढेर सारे पॉइंट्स बताए थे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये पेज रियल है या ये पेज फ्रॉड है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा फ्रॉड वाला वीडियो था तब ज्यादा वायरल नहीं हुआ था, इनफैक्ट अब लोगों को वो पहुंच रहा है, 2 लाख के ऊपर व्यूज हो गए हैं उस पर। बट लोग भी कब सर्च करते हैं, जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, जब उनके साथ स्कैम हो जाता है, तब वो लोग सर्च करने लगते हैं कि अब मैं उसे कैसे वापस पाऊं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मनी बैक बिकॉज इतना बड़ा ये सिस्टम है, इट्स रियली हार्ड। आप 2000-3000 डाल दोगे, उसके बाद उस पैसे को वापस लाने के लिए आपको और 4-5 हजार, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही डालने पड़ेंगे। पुलिस में जाओ, साइबर में जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप मत करो, आपके पास टाइम है, और अगर आप और भी स्पेंड करके वो पैसा लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे उस दिन के बाद से आज तक कॉमेंट आता रहता है कि मेरे इतने पैसे चले गए, मेरे उतने पैसे चले गए, और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आप लोग अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर नहीं करते हो, और स्पेशली वो वीडियो तो करना ही था ताकि लोगों के पैसे ऐसे ना वेस्ट जाए। मेरे साथ तो ऑलरेडी हो चुका था, बट मेरे हस्बैंड के साथ, सनशाइन के साथ भी एक फ्रॉड, एक स्कैम हो गया। इंस्टाग्राम से तो नहीं किया उन्होंने, बट एक वेबसाइट था जिसपे उनको कुछ चीजें मंगाने थे, तो नियरली 3000 रुपीज उन्होंने उसको पे कर दिया था ऑनलाइन, और उसने क्या भेजा, ये। जबकि उन्होंने ऑर्डर जो किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या मंगाया था, बट उसके अंदर निकला ये मोबाइल स्टैंड, छोटा सा जो कार वगैरह में या फिर घर पे लगाते हैं। सो 3000 रुपए उन्होंने पे किया था और उनको 300 रुपए का सामान मिला। वो सब तो छोड़ो, स्टैंड भी दिया, वो भी यूज किया हुआ दिया। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब कैसे लोग ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ तो हंसी भी आती है, बट कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि कौन है यार ये लोग, फिर हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। बात पैसे की नहीं है, बट बात कुछ लोग हैं कि जो ऐसे ही कमा रहे हैं। इट इज सो रॉन्ग। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसे वेबसाइट्स पर मत चले जाओ और ऑर्डर कर लो। चलो इनके साथ भी फ्रॉड हो गया, अभी वो
वहां पे कुछ नंबर थे उनसे बात कर रहे हैं बट कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, और उन्होंने बोला कि ये तो फ्रॉड हो चुका है। मैं फिर से ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग कोई भी ऐसे वेबसाइट पे मत जाके ऑर्डर प्लेस करो या फिर इंस्टाग्राम स्टोर्स पर। हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप फॉलोअर्स चेक करो, सेलिब्रिटी अगर प्रमोट करे चेक करो, बट नहीं, ये सब भी फैक्टर्स नहीं है जेन्युइन प्रूफ करने के लिए। इनफैक्ट मैंने रिसेंट केसेस सुने हैं कि वो लोग जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं टिकटॉक से इंस्टाग्राम से जो वायरल हुए हैं उनसे वो लोग प्रमोशन करा ले रहे हैं मोबाइल्स के इसके उसके स्टोर्स के, और लोग लिटरली ले रहे हैं बट उनको वो प्रोडक्ट्स मिल ही नहीं रहे। आप समझ सकते हो ये लोग सेलिब्रिटी से भी प्रमोशन करा रहे हैं बट वो लोग जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर इट इज जेन्युइन और नो। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं, अगर हम कुछ महंगी चीजें ले रहे हैं तो हम ट्रस्टेड वेबसाइट, जैसे बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जैसे Amazon है, Flipkart है, तो इन वेबसाइट से लेना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर अननोन अननेम्ड एंड नॉट सो फेमस वेबसाइट्स। ऑल्सो इंस्टाग्राम स्टोर की बात करो तो एक मैंने बताया था कि आप चेक कर सकते हो कि अगर उनका यूजर नेम बार बार चेंज हो रहा है। देखो, जो चीट कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, वो अपना यूजर नेम बार बार चेंज कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में उनका इंस्टा आईडी दे दिया था, उसके बाद उन्होंने आईडी चेंज कर दिया, तो मुझे तो पता ही नहीं है वो किन नाम से चल रहे हैं। उसके बाद भी वो लोग ने चेंज किया है और आप वो चेक कर सकते हो प्रोफाइल से। एक कमेंट मुझे आया था कि हम ऐसे नहीं फिगर आउट कर सकते बिकॉज जेन्युइन पेजेस भी चेंज करते हैं। आई नो जेन्युइन पेजेस भी चेंज करते हैं बट वो रेगुलरली नहीं चेंज करेंगे। अगर किसी को चेंज करना है तो वो साल में एक बार करेगा या फिर एक दो बार ही चेंज करके वो एक ही नाम रखेंगे, बिकॉज बार बार कस्टमर उनको नहीं ढूंढते रहेंगे, है ना। अभी जैसे amazon.in है तो Amazon हर बार अपना ए टू जेड नाम नहीं रखने जाएगा। तो इसके लिए जो भी जेन्युइन पेजेस होंगे अगर उन्होंने अपना नाम चेंज भी किया है तो बार बार नहीं करेंगे, एक बार कर लिया होगा। आप कमेंट्स देख सकते हो, फॉलोअर्स ऑफकोर्स देख सकते हो, बट आजकल सब लोग रोबोट फॉलोअर्स भी खरीद लेते हैं तो उस पर भी मत जाना। आप लाइक्स व्यूज भी चेक कर सकते हो, प्रमोशंस कराते हैं लोग उसके ऊपर कमेंट्स देखो। मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे जेन्युइन है, ऑफकोर्स कुछ कुछ पेजेस है जिनसे मैं खरीदती हूँ और वो जेन्युइन है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि सारे जो पेजेस है वो फ्रॉड है या फिर सारे जो पेजेस है वो जेन्युइन है। तो ये आपको अपना पैसा डालने के पहले आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा और फिर ही आप अपना पैसा डालो उसमें। तो अभी कल ही मुझे कमेंट आया, मेरे साथ भी हुआ है, हाँ मैं भी एक ऑर्डर की हूँ, सेम सिचुएशन है, थैंक यू दीदी आपने हमें बचा लिया। तो बहुत लोग का तो पैसे सेफ भी हो रहा है बट बहुत लोग के पैसे वेस्ट भी हो रहा है। तो मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी गाइस, प्लीज आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि लोगों के साथ ना हो ये चीज। आई होप कि इतना इजी कोई पैसे ना कमा सके कि किसी का मेहनत के पैसे कोई ऐसे ही ले जा रहा है, मैं नहीं चाहती कोई ऐसे करे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और प्लीज आप लोग भी ये गलती मत करो। मैं तो उसके बाद से इंस्टाग्राम स्टोर से लेना बहुत कम कर दिया, जो भी मैं लेती हूँ जेन्युइन पेजेस है जिनके मैं रिव्यूज कमेंट्स इज मेन, क्योंकि पब्लिक रिव्यू देती है तो कमेंट में अगर जिनके कमेंट्स ऑफ है या फिर कमेंट्स नहीं है लिमिटेड है, समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। कैश ऑन डिलीवरी की भी बात करूंगी, मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं मंगाए। तो देखो, कैश ऑन डिलीवरी अगर आप मंगा लेते हो तो फॉर एग्जाम्पल कुरियर वाले भैया ये पार्सल लेकर आ गए हैं तो वो पहले आपसे पैसे लेंगे फिर आपको ये पार्सल देंगे, और आप उनके सामने तो ओपन करने नहीं बैठोगे, सब लोग ऐसे अलाउ नहीं करते। जब वो पैसे ले लेंगे फिर ही आपको वो हैंड ओवर करते हैं, तो पैसे तो ऐसे भी आपके चले गए। तो उन्होंने जिस वेबसाइट से मंगाया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो, मुझे वो वेबसाइट याद नहीं है बट आई एम श्योर ऐसे काफी सारी वेबसाइट्स है। इसके लिए मैं सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही लेती हूँ, ऐप से ही लेती हूँ। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे उन लोगों के लिए लगता है जो एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, ऐसे लोगों की वजह से वो लोग को सफर करना पड़ता है। एंड रियली सॉरी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आई नो हाउ इट फील्स, बहुत बुरा लगता है। देखो, जो फ्रॉड कर चुके हैं उनके बारे में बताना तो मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो लोग तो नाम बदल लेते हैं, बट हम किसी का पैसा बचा सके तो डेफिनेटली क्यों नहीं करें। तो यस, इस वीडियो का यही मोटिव था कि मैं फिर से अवेयरनेस क्रिएट करूं और भूले ना कि ऐसा हो चुका है किसी के साथ तो आपके साथ भी हो सकता है। प्लीज बी स्मार्ट, डोंट वेस्ट योर मनी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड आप दूसरों की भी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।